एक हफ्ता पहले हमारी आईबीए के साथ मीटिंग थी, क्योंकि चार्टर ऑफ डिमांड जो हमने 1/11/2017 को दिया था उसमें हमारा मैंडेट स्केल 1 से स्केल 7 तक का था, मतलब कि हमारा एक जूनियर ऑफिसर लेकर हमारा एक जनरल मैनेजर तक की वेज रिविजन हमने उसमें रखी थी। आईबीए ने जब हमसे बात करना शुरू किया तो वो एक ही बात पे अड़ गए कि हम सिर्फ एक स्केल 1 से लेकर स्केल 3 तक का मैंडेट दे सकते हैं, उससे ऊपर केंद्रीय सरकार नहीं दे पाएगी। तो उस मीटिंग में हम उठकर आ गए आईबॉक वाले, और आईबॉक ने उसी दिन हमारे मीटिंग करने के बाद इस स्ट्राइक को कॉल दिया था। सबसे बड़ी बात, जब बैंक कबीले जो करने के लिए और जो हमारे लॉसेज आते हैं बैंक को, वो रहता है एनपीए को लेके, कि एनपीए जो हमारा बढ़ रहा है उसके सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो 65-70% जो आज की डेट में हमारे डिफ़ॉल्ट हैं वो बड़े लोन्स हैं, जो कॉरपोरेट लेवल पे जो हमने लोन्स किए हैं, और वो सारे डिफरेंट बैंक्स बोर्ड उसको सेंक्शन करता है, छोटी ब्रांचेज से ऊपर होते हैं वो बैंक्स। तो वो लोन अगर एडजस्ट हों 55-60 लोगों के, अगर उसमें अगर रिकवरी हो जाती है, अगर 75% रिकवरी आपके उन 55 लोगों से हो रही है, तो देश भर में इतना हंगामा क्यों? और जो बड़े लोन्स हैं उनकी रिकवरी बैंक लेवल पे, इंडिविजुअल बैंक लेवल पे नहीं है, वो एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बना दिया गया है कि जो बड़े लोन की रिकवरी वो करेंगे। उस ब्यूरो बोर्ड ब्यूरो में कौन बैठे हैं? केंद्रीय सरकार के लोग। तो ये सारा का सारा जो बैंकों में दबाव पड़ रहा है काम का, और जो लॉसेस हो रहे हैं बैंक में, ये गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से है।